बेटी साइन थीटा अगर जीरो है। कर बेटी मार देश के विवेक म्यूट कर लीजिए। साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1π/2। क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टेन थीटा अगर जीरो है तो थीटा इज ऑल्सो एन पाई, अगर साइन जीरो होता है तो टेन भी अपने आप जीरो हो जाता है, साइन टेन साइन बाई कॉस होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n π + -α, और अगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू n π + α। ये हमारे पास है और कुछ नहीं है सर, ठीक है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो जहां जहां आपने अल्फा निकाला है, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में ही निकाला है, इसमें sec x वाले में, तो हमारा अल्फा क्या आया है, हमारा अल्फा ये आया। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपके पास क्या है sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई थ्री। अब आप कहोगे सर फॉर्मूले तो साइन कॉस टेन के हैं, sec कैसे करेंगे भाई, sec का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो दोनों तरफ cos आ जाएगा ना। Yes, तो आप जरा नीचे फॉर्मूला देख लो बस, cos theta is equals to cos alpha, तो theta किसके इक्वल है, theta किसके इक्वल है 2n π + -α। सर बस इतना ही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। तो x is equals to 2n π + -α, अल्फा यहाँ मेरा पाई बाई थ्री है। तो बेटे जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ इतना सा पार्ट करना, अगर आपने पाई बाई थ्री निकाल दिया तो जनरल सॉल्यूशन आप डायरेक्ट निकाल सकते, आगे समझ में। बट ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो ये सिक्स फॉर्मूलाज हैं, अगर आप ये रख दो तो जब आप अल्फा निकाल लो तो सिर्फ यहाँ अल्फा की वैल्यू रखनी है, साइन कॉस टेन। तो इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस करेंगे। टेस्ट कब दोगे,